हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये अकाउंट है 1 मिनट ग्रोथ वाला, तो मैंने इस पर कुछ वीडियो डाली जिसकी वजह से ना ये अकाउंट डिसक्वालीफाइड हो गया है। तो मैंने सोचा कि यार अकाउंट डिसक्वालीफाइड है, अपील करते हैं तो अकाउंट वापस भी नहीं आएगा, क्या करना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट किया है मैंने जिसमें मुझे जो रिज़ल्ट अच्छा मिला है, मैंने सोचा एक वीडियो बना के दोस्तों को बता देता हूँ, ठीक है। और 100% इस तरीके से ना आपका 1 मिनट ग्रोथ वाला प्रोग्राम वाला और दूसरा अकाउंट भी वापस आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि नीचे अकाउंट डिसक्वालीफाइड है, ऊपर रिस्टोर हो गया, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया फ्रेंड्स, मैंने 3 डॉट पे क्लिक किया, मैंने सेटिंग एंड परमिश पे क्लिक किया, उसके बाद फ्रेंड्स मैं सिक्योरिटी परमिशन पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैनेज डिवाइस पे क्लिक किया, जितनी भी डिवाइसों में ये लॉगिन था मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। आज वाली वीडियो में 100% आपका अकाउंट वापस आ जाएगा अगर आपने इस तरह किया, ठीक है। ये मेरे पास जो है ना, यहाँ से मैंने चेक किया कि मेरे अकाउंट कहाँ कहाँ लॉगिन है, तो यहाँ से मैंने अकाउंट को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने अकाउंट को रिमूव करना है, जो तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप करेंगे ना, गारंटी शुदा आपका अकाउंट जो है ना वापस आ जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं, मेरा नेट का इशू है, तो जैसे ही ओपन होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास कोई भी डिवाइस यहाँ पे लॉगिन नहीं है, सिर्फ इसी मोबाइल में लॉगिन है। तो मैंने इसके बाद क्या करना है, यहाँ से सारी डिवाइस रिमूव कर देना है, फिर आपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लेना, ठीक है। पासवर्ड चेंज करने के बाद फ्रेंड्स जो अच्छे वो है आपने जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, मैं शो करवा देता हूँ, एक्टिविटी पे आपने फ्रेंड्स इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एक्टिविटी पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना, ऐसा होता है कि हम पाकिस्तानी वीडियो कुछ वॉच करते हैं जिनकी वजह से हमारी जो हिस्ट्री होती है ना वो अकाउंट की हिस्ट्री में चली जाती है और लोकेशन में शो आता है। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हमारे अकाउंट या वीडियो डिस्क्वालीफाइड की वजह से हो जाता है। यहाँ पे वॉच हिस्ट्री पे आपने क्लिक करके जितनी भी आपकी वॉच हिस्ट्री हो आपने उसको डिलीट कर देना है, लाजमी करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी कुछ ऐसी वीडियो जो पाकिस्तानी प्ले हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने चले जाना है नीचे, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपके सामने फ्रेंड्स एक ऑप्शन आ रहा है, मैं शो करवाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन आ रहा है, फ्री अप स्पेस, आपने इसको भी ख़त्म कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करके आपने क्लियर कर देना, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो गए, उसके बाद क्या करना है आपने फ्रेंड्स, ये होने के बाद आपने चले जाना है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर चले जाना है। आपने जाना है फ्रेंड्स यहाँ पर अकाउंट एक्टिविटी पर, ठीक है, जहाँ पर हमने पहले क्लिक किया। अकाउंट एक्टिविटी पर जाने के बाद आपने फ्रेंड नीचे क्लिक करना है मैनेज पे, यहाँ पे मैनेज पोस्ट इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना, तो आपने क्या करना है, आपकी जितनी भी वीडियो प्राइवेट कर देनी है, सही है, आपने अपनी सारी वीडियो प्राइवेट कर देनी है, ना इसे कोई आपका वॉच टाइम जाएगा ना फॉलोअर जाएंगे। तो मैं इसको जो है ना एक्टिविटी हिस्ट्री को जो है ना मैं जाके सारी वीडियो को प्राइवेट कर देता हूँ, ठीक है। आपके सामने मेरी सारी वीडियो ओनली मी है, आपने यहाँ पे क्लिक करके 50 वीडियो सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके नीचे ओनली मी करेंगे तो आपकी मेरी ऑलरेडी वीडियो जो ना प्राइवेट है, सही है। अब क्या करना है, ये हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, इस मोबाइल से पासवर्ड चेंज कर लेना अकाउंट का। आपने बिल्कुल फ्रेश डिवाइस में जाना है, ठीक है, जिसमें आपको पता हो कि यार इसमें मैंने टिकटॉक अकाउंट को लॉगिन नहीं किया, यूएसए वाले बीटा वाले को, ठीक है। आपने क्या करना है, उस अकाउंट में चले जाना है, ठीक है। यहाँ से आपने लॉग आउट करना है, फिर आपने न्यू डिवाइस में जाके इसको लॉगिन करना है। अगर आपके पास न्यू डिवाइस नहीं है तो आपके पास प्ले स्टोर वाली टिकटॉक में अगर यूज़ कर रहे हो तो आपने गूगल पर जाके सुपर एशिया टिकटॉक में जाके इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपने दोबारा इसकी जो है ना मैनेज में जाना है कि कोई हमारे अदर के किसी जगह पे अकाउंट लॉगिन तो नहीं है। अगर कहीं लॉगिन है तो आपने वहां से भी इसको रिमूव करके सिर्फ उसी डिवाइस में छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, आपके पास जो जिस कंट्री का अकाउंट है उस कंट्री का आपने VPN लगाना है, ठीक है। VPN लगाने के बाद फ्रेंड्स गलती से भी उस दिन आपने अपील नहीं करनी जिस दिन आपका अकाउंट डिसक्वालीफाइड हुआ है। आपने अपील कब करनी है, अपील आपने तब करनी है 24 घंटे बाद करनी है, ठीक है। जैसे 24 घंटे गुजर जाएं तब जाके आपने अपील करनी है, 100% आपका जो अकाउंट है वापस आ जाएगा। मैंने काफ़ी अकाउंट इस तरह वापस लिए, ठीक है, और आपके सामने ये अकाउंट शो करवा रहा हूँ, ये भी मैंने वापस लिया, कुछ और अकाउंट भी हैं। तो करना क्या, आपने फ़ौरन अपील नहीं करनी, अपील आपने 24 घंटे बाद करनी है, डिवाइसें सारी रिमूव करनी है, हिस्ट्री क्लियर करनी है, कैश क्लियर करनी है, वीडियो प्राइवेट करनी है,
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके बाद आप इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करना कि मेरा अकाउंट वापस आ गया या नहीं आया, तो ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। यहाँ पे जो भी वीडियो आपको मिलेगी अच्छी से अच्छी मिलेगी।